व्हाट्सअप गाइस, अगर आप बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल को एक यूनिक और एक डिटेक्टिव की तरह, तो आगे इस वीडियो को देखते रहिए। मैं हूं शुभम, आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल आज हम बात करने वाले टॉप एसएस बेस्ट ऐप्स एंड्रॉयड ऐप्स की, जो स्पाइस ऐप्स हैं दैट मेक यू फील लाइक अ डिटेक्टिव। तो हमारी जो सारी एप्लीकेशंस हैं वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पहली एप्लीकेशन है वो है स्पाई कैमरा ओएस। जैसे कि आप ये एप्लीकेशन का लोगो देख सकते हैं। तो आपको ये क्या करना है, आपको बस इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में खोल लेना है। इसके बाद अगर आपका मोबाइल कोई भी छूता है तो उसमें जो सीक्रेट रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसमें जो उसने जो जो ऐप खोले होंगे उसकी रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में हो जाएगी। तो ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है। और हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है एयर एजेंट। ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप छोटी से या थोड़ी हल्की सी भी वॉइस काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये यूट्यूबरों के लिए काफ़ी अच्छा ऐप है, जो काफ़ी कम वॉइस रिकॉर्ड हो पाती है। तो ये ऐप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो हमारी तीसरी एप्लीकेशन है वो है आई कैम व्यूअर। ये एप्लीकेशन आप किसी भी सीसीटीवी कैमरा जो आपके घर में लगा हो, रोड कैमरा या वेबकैम, किसी से भी कनेक्ट करके आप उसकी रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में देख सकते हैं। इसको आपको देख सकते हैं आप ही, मेरे पास एक भी कैमरा नहीं है कनेक्ट, इसलिए इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। आप एक कनेक्ट। और हमारा जो चौथा एप्लीकेशन है वो है कॉल रिकॉर्डर, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर। इससे आपको क्या होगा, आपको जिस नंबर पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उस नंबर पे इस कॉल रिकॉर्डर को लगा दीजिए, और ये उस नंबर से जब आपको फ़ोन आएगा तो ये पूरी कॉल रिकॉर्ड कर लेता है। आपको इसको ओपन करना है, इसमें एग्री कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, गिव परमिशन। परमिशन दिलवाने के बाद आपको बस अपना वो वाला नंबर सेट कर देना है, उसके बाद एप्लीकेशन आपकी चालू हो जाएगी। हमारी जो पांचवी एप्लीकेशन है वो है फाइंड माय फ़ोन, फाइंड ट्रैक व्यू। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी भी मोबाइल को ढूंढ सकते हैं, या अगर आपके मोबाइल में किसी पीसी का फ़ोन आ रहा है, पीसी से फ़ोन आ रहा है, तो आप उसका फ़ोन का नंबर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पीसी से जो फ़ोन करते हैं वो उनका नंबर आता नहीं है। आपको सिंपली एप्लीकेशन खोलनी है, उसके बाद अपने डिवाइस का जो नेम है वो डालना है, इसके बाद साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी चुन लेनी है। ईमेल आईडी जब लॉक हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं एक बार और क्लिक करके देखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ईमेल आईडी है वो इस ऐप में चालू हुई है। लॉग इन टू द नेट पर क्लिक किया रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। या ये रूट पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर डाल के, जब आप इससे करके आप अपने कैमरे का जो वो मैप है उसको खोल के आप देख सकते हैं आपका मोबाइल कहाँ पर है। और अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तो अगर वो खोलेगा तो अलर्ट में इसको मैसेज आ जाएगा। तो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है, आपको इसको डाउनलोड करना चाहिए। हमारी जो छठवीं एप्लीकेशन है वो है एंटी स्पाई मोबाइल डिटेक्टेड। इससे आप एक अपने मोबाइल का जो वायरस है उसको भी दूर कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की काफ़ी अच्छी वेराइटी है, इससे आप अपना जो इसकी सबसे अच्छा काम यह है कि आपकी जो एप्लीकेशन डिलीट हो चुकी हैं वो आप इससे दोबारा रिकवर कर सकते हैं, और बिना नेट के। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब एप्लीकेशन मैंने डिलीट कर दी थी, ये मैं रिकवर कर सकता हूँ बिना नेट के। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन जो डिलीट हो गई है या बड़ी एमबी की है तो आप इससे दोबारा रिकवर कर सकते हैं। हमारी सातवीं एप्लीकेशन, अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, ये है हिडन आइस। ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है आपके जो मोबाइल जो आपका मोबाइल चलाता है उसको देखने के लिए। आपको सिंपली है एप्लीकेशन खोल लेनी है, उसके बाद अपना जो डिलीट रिकॉर्ड है उसको कर देना क्लिक, उसके बाद सिक्योरिटी ऑन कर देनी है, एक्टिवेट, उसके बाद अलर्ट में नोटिफिकेशन वॉर, इसके बाद आपकी ये एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो गई है। तो इससे क्या होगा, अगर आपका कोई मोबाइल छुएगा या उसमें एक भी बार गलत पासवर्ड डालेगा तो आपको ये बता देगा, ये फ़ोटो दिखा देगा कि किसने आपका मोबाइल छुआ है।
जैसे कि मैं आपको ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ इसमें गलत पासवर्ड डाल। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने गलत पासवर्ड डाला तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी फ़ोटो खिंच गई हैं, लेकिन मैं अभी काफ़ी डार्क रूम में तो ये काफ़ी फ़ोटो साफ नहीं आई, लेकिन आप इस तरह पहचान सकते हैं कि वो था कौन या अगर आपके घर का कोई होगा तो आप तो आराम से पहचानिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ये सारी एप्लीकेशन के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।